नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बेसिक्स क्लास 2022-23 का आपका सिलेबस लेके आ चुका हूँ हिंदी माध्यम में कक्षा 12वीं का। अभी हिस्ट्री का और हिंदी का, सोशियोलॉजी का, सामाजिक विज्ञान का और आपका क्लास 11th का, 9th का, 10th का। अगर हिंदी माध्यम का सिलेबस चाहिए तो माय बेसिक्स क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं या इससे बेहतर कहीं और मिल रहा है तब वो भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान, जैसे कि आप कक्षा 11वीं रहे होंगे तो आपको पता होगा दो आपकी किताबें होती हैं राजनीति विज्ञान की। तो पहला भाग समकालीन विश्व में राजनीति और भाग ब स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। इसके बाद में हिंदी का आपको सिलेबस दूंगा, हिंदी माध्यम का 22-23 का, चैनल से जुड़े रह सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क की तैयारी चल जाएगी आपकी, ठीक। और आपका जो ये सिलेबस होगा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों के लिए, और जो फाइनल आपके पेपर आएंगे और इसी में से आएंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं दो ध्रुवीयता का अंत, ये चैप्टर आपका शामिल हो चुका है जो आपके पेपर में होगा, मतलब किताब के फर्स्ट में होगा। शीत युद्ध का दौर, वो प्यारे बच्चों खत्म हो चुका है, वो दो ध्रुवीयता का अंत से स्टार्ट होगा, शीत युद्ध नहीं आएगा, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर क्या क्या आएगा वो देख सकते हैं, सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन, एक ध्रुवीयता विश्व, मध्य पूर्व का संकट, अफगानिस्तान, खाड़े युद्ध जिसे आपका कंप्यूटर युद्ध भी, गेमिंग युद्ध भी कहते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिकरण, CIS और 21वीं सदी, अरब स्प्रिंग, ठीक है। पार्ट नंबर दो पढ़ेंगे, पार्ट नंबर दो में सत्ता के नए केंद्र, संगठन यूरोपीय यूनियन, आसियान, शार्क, ब्रिक्स, जो कि आप भी आज देख सकते हैं इसमें चाइना भी है, शार्क में दक्षिण एशिया कितने बाकी जो देश हैं आपके, राष्ट्र के बारे में रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ेंगे, सैमसंग की कंपनी, जापान की बहुत सारी कंपनियां, भारत, इजराइल से बहुत सारी चीज लेते हैं, चीन, रूस, सारे बड़े बड़े विश्व में बहुत ही बड़े बड़े धासु देश हैं, इनके बारे में आप चर्चा करेंगे। कौन से सत्ता के केंद्र है, बस अमेरिका ही एक सत्ता का केंद्र नहीं है, समकालीन दक्षिण एशिया फिर ये पढ़ेंगे, इसके अंदर है आपका दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिकरण के में संघर्ष और शांति के लिए किए गए प्रयास, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मतलब कि अंग्रेजों ने तोड़फोड़ तो किया भारत के साथ लेकर, फिर यहाँ पे शांति संघर्ष के लिए क्या क्या प्रयास हुए, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जैसे कि 1971 में आपको याद होगा कि हमने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया था, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे आप अध्याय 3 में लेके। फिर टॉपिक 4 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन, मुख्य अंग परियोजना UNESCO, यूनिसेफ, WHO, ILO, सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता के बारे में अध्याय 4 में, जो टॉपिक बता रहा हूं प्यारे बच्चों किताब में वही टॉपिक पढ़ना, जैसे मैंने आपको कहा शीत युद्ध का दौर नहीं है तो उसे पढ़ना भी मत। 5 नंबर पे समकालीन विश्व में सुरक्षा, सुरक्षा आशय प्रकट प्रकार हो, आतंकवाद का जो जन्मदाता है वो अमेरिका है और यही इसी से परेशान चल रहा है और आपकी सारी दुनिया परेशान इसी से, आतंकवाद से। अध्याय 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, अध्याय 6 नहीं है, अलग अलग अध्याय हो सकते हैं, लेकिन अगला टॉपिक 6वां टॉपिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो आपके चैप्टर में नहीं है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और 7वें नंबर वैश्वीकरण, अगर मैं आपको दिखाऊं लेकिन बुक ही नहीं मेरे पास तो इंडेक्स में देखिएगा कौन कौन से आपके चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक है, वही टॉपिक पढ़ना है आपको। बुक 2 स्वतंत्र भारत की राजनीति, तो ठीक है इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है 8वां, मतलब दे दिया है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसमें तो आप टर्म फर्स्ट में इतना ही पढ़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ने हैं आपके, कौन सा चैप्टर नहीं है जरूर बताइएगा। पहला जो शीत युद्ध होता है वो तो नहीं है, मैंने कन्फर्म बता दिया आपको, ठीक है। आगे है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र और निर्माण, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राज्यों का एकीकरण, राष्ट्र निर्माण का नेहरू का दृष्टिकोण, नेहरू का दृष्टिकोण, विभाजन का विभाजन की विरासत, मतलब जब विभाजन हुआ तो विरासत में हमें क्या मिला, बहुत ही यार समझ लो कि आप 12th में आ गए, नेहरू की इतनी भी आलोचना करना मत सीखो, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति थे यार, उन्होंने भारत जब आजाद हुआ तो बहुत कुछ नहीं था, तो बहुत कुछ उन्होंने दिया भारत को, ठीक है। हाँ गलतियां कुछ हुई लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी थी, ठीक है, ध्यान रखने वाली। शरणार्थियों पुनर्निवास, चुनौतियां, कश्मीर समस्या, भाषा की राजनीतिक संघर्ष, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, 9 नियोजित विकास, भारत में आर्थिक विकास का बदलाव स्वरूप, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति, तो यहां तक तो पॉइंट 9 खत्म हो जाता है। समस्त अध्यायों से अपेक्षित गद्यांश आधारित केस स्टडी बेस प्रश्न उत्तर का अभ्यास करना, मतलब जो आपके कुछ ब्रैकेट टाइप में लिखे होते हैं तो बच्चे वो भी बीच में पढ़ लेना, जो आपके गद्यांश टाइप के आएंगे उसी ब्रैकेट वाले में से आएगा। 30 सितंबर 2022 तक मध्यवर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाएगा, मतलब 30 सितंबर तक आपका ये चैप्टर, मतलब सब कुछ खत्म होना चाहिए और आपका टर्म फर्स्ट का जो पेपर होगा आपका
पुनरावृत्ति यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, मध्यवर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र पर चर्चा होगी। इसके बाद मध्यवर्ती के बाद की बात है, इसके बाद जो है आपका भारत की विदेश नीति, ठीक है, भारत में दल और दलीय व्यवस्था, इसके अंदर जो टॉपिक है प्यारे बच्चों देख लेना, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति, नवीन प्रवृत्तियां और विकास, गठबंधन का दौर, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड, राष्ट्रीय गठबंधन, जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, विकास और सुनिश्चित। बच्चों 2000 मतलब टॉपिक फोर्थ 14, ये ध्यान से पढ़ लेना, करंट से लगभग समस्या है आपकी। फिर यहां से ये टर्म टू का है, TERM टर्म टू का बता रहा हूं ये, और टर्म टू में, और ये टर्म फर्स्ट का है, TERM ये टर्म फर्स्ट का है, टर्म फर्स्ट और टर्म टू दोनों टर्म टू में आएगा, याद रख लेना। टर्म फर्स्ट का जैसे ही आपका 30 सितंबर खत्म होगा तो जब अगले बार पढ़ोगे ये तो पढ़ोगे उसमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे कमेंट बार बार करते क्या टर्म फर्स्ट का आएगा, हाँ टर्म फर्स्ट का और टर्म सेकंड का फाइनल में दोनों आएगा, 9 से लेकर 12 तक चीजें बदल दी गई है। तो समस्त अध्यायों के अपेक्षित अध्यांश केस स्टडी बेस्ड प्रश्न उत्तर का अभ्यास करना, मानचित्र और कार्टून कार्य, हाँ तो मानचित्र जो कार्टून है मैं प्यारे बच्चों आपको मैं वीडियो में प्रोवाइड कराते रहूंगा, और कार्टून मैंने पहले बना रखे हैं तो आप वो कार्टून भी देख सकते हैं। 15 दिसंबर 2022 तक वार्षिक परीक्षा गठबंधन कार्य पूरा किया जाना चाहिए, 15 दिसंबर। अब ये देखा 30 सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब सितंबर खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 2.5 महीने मिलेंगे आपको, ये भी खत्म करना है और ये भी खत्म करना है 2.5 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, प्री बोर्ड की तैयारी, वार्षिक की तैयारी, जैसे आपको पता है ये तो चीज हो जाए। डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क यहां से आप स्क्रीनशॉट लेके भाई आ रहे बच्चों बाकी पढ़ सकते हैं, लेकिन फास्ट पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि कम समय आपका ज्यादा करा सकूं। द प्रोजेक्ट वर्क विल बी इम्प्लीमेंट ऑफ 20 मार्क्स, 80 नंबर का पेपर होगा और वहीं पे 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, लगभग 20 में से सबको 15, 16, 18 किसी बच्चे को 20-20 नंबर मिल जाते तो अच्छी बात है आपको। आउट ऑफ 20 10 मार्क्स allotted with Viva and 10 मार्क्स with project। अच्छा, इस 20 में दो होंगे, 10 नंबर और 10 नंबर, 10 नंबर आपका Viva और 10 नंबर आपका हो जाएगा क्या आपने किस हिसाब से डिजाइन से प्रोजेक्ट बना रखा है, तो ठीक है। Viva में आपके कई बार क्या होते हैं 10 में से 7-8 मिलते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में लगभग 10 तो मिल ही जाते हैं, तो अच्छी बात है। फॉर क्लास 12 द इन्वेल्यूशन ऑफ 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क शुड बी डन जॉइंटली बाई इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है, इंटरनल वाले वैसे भी लिया जाएगा, जो बाहर एग्जामिनर आएगा आप चेक करने के लिए वो भी आपका। द प्रोजेक्ट कैन बी इंडिविजुअल पेयर ग्रुप ऑफ 4-5 अलग अलग हो सकता है, लास्ट ज्यादातर अलग अलग ही होता है यार। द प्रोजेक्ट कैन बी द मेड ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स गिवन द सिलेबस ऑफ पर्टिकुलर क्लास, हाँ तो जो टॉपिक आपको मिलेगा बनाने के लिए सिलेबस पर वही टॉपिक आपको बनाना होगा। याद है लॉकडाउन में हमने बनाया था, अरे यार पश्चिम कौन नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है ना जिसपे भाई बच्चों को परेशान थे, किस पे बनाना था। द सजेस्टिव लिस्ट एक्टिविटी और प्रोजेक्ट विल बी फॉलोड, ठीक है, नीचे है जो बाकी चीजें दी गई हैं, तो मैंने जो समझाना था मेन पॉइंट यही समझाना था, मैं समझा चुका हूं। और कुछ भी आपको देखना है इसकी पीडीएफ लेनी है माय सीबीएसई क्लास की टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके बाद लेके आएंगे हम प्यारे बच्चों हिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का, क्लास 12th का है, क्लास 11th का, 9th का, 10th का, सबका हिंदी माध्यम लेके आएंगे। हाँ मैं सभी क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक जय हिंद जय भारत।